नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास। दोस्तों, ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें दोस्तों हम आज करेंगे रोल नंबर और केंद्र संबंधित दोस्तों प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, आज क्लास है हमारी क्लास नंबर 4, क्लेरिकल एप्टीट्यूड की। दोस्तों एप्टीट्यूड की क्लास है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्लास रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए दोस्तों, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। दोस्तों, रोल नंबर संबंधित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं ये चीज समझते हैं। तो दोस्तों, आपको रोल नंबर दिया होगा, जैसे कि ये एक रोल नंबर है दोस्तों, ये क्या है, रोल नंबर दिया हुआ किसी का, क्या है, रोल नंबर दोस्तों दिया। अब इस रोल नंबर को समझते हैं दोस्तों, इसमें रोल नंबर भी है और इसमें दोस्तों केंद्र कोड भी है, यानी सेंटर नंबर भी है। क्या दोस्तों, सेंटर नंबर भी है, यहां पर केंद्र कोड जिसको बोलते हैं केंद्र कोड या केंद्र नंबर। और ये दोस्तों रोल नंबर भी है इसमें, दोनों चीज है दोस्तों, क्या है, दोनों चीज इसमें दी हुई है, केंद्र भी दिया हुआ है, रोल नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों। अब हमको पता कैसे करना है कि इसमें रोल नंबर कौन सा है और केंद्र कोड कौन सा है। तो दोस्तों, ये हर जगह अप्लाई होगा आपका। तो अब एक चीज देखें दोस्तों, जो हमारा केंद्र नंबर है, केंद्र कोड है, वो कौन सा होता है। 6 अंक का दोस्तों रोल नंबर आपको मिलेगा, क्या 6 अंक का, जैसे कि ये क्या दिया हुआ है, 24 ये दिया हुआ है, ये कितने अंक का दोस्तों, 6। तो इसके जो पहले दो नंबर हैं कितने दोस्तों, 4 और 0, यानी 40 दोस्तों। ये क्या है, ये आपके हो जाएंगे सेंटर नंबर, यानी केंद्र नंबर, केंद्र कोड हो जाएगा दोस्तों कितना, 40। अब हमसे पूछे रोल नंबर क्या होगा, दोस्तों रोल नंबर हो जाएगा आपका, जो नंबर रह गए हैं कितने रह गए हैं, 2624 दोस्तों, ये हमारा क्या है, रोल नंबर। तो इसी प्रकार से आप केंद्र नंबर पता कर सकते हैं और रोल नंबर पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कोई एक रोल नंबर और ऐसे नहीं पूछेगा केंद्र कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, इस प्रकार से नहीं, आपको कई सारे दोस्तों दे देगा रोल नंबर और केंद्र, रोल नंबर दोस्तों उसी में शामिल होता है, जैसे कि इस प्रकार से दे दिए उसने, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों दे दें। दोस्तों ये अभी तो ये हमने कम लिया है, क्योंकि समझाने के लिए, ये ज्यादा होते हैं दोस्तों, 24-25 होते हैं, 24 करीब होते हैं रोल नंबर, कितने भी दे सकता है वो दोस्तों, इस प्रकार से। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या करेगा कि दोस्तों कितने केंद्र हैं दोस्तों, ये पूछेगा। और दोस्तों 1000 से कम रोल नंबर कितने छात्रों का है या उम्मीदवारों का है दोस्तों, 1000 से कम रोल नंबर, 1000 से अधिक कितने उम्मीदवारों का है दोस्तों, अधिक रोल नंबर कितने उम्मीदवारों का है, कितने छात्रों का है दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस केंद्र पर उम्मीदवार है, किस केंद्र पर कितने उम्मीदवार हैं, ये पूछ सकता है, कितने छात्र हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब कितने केंद्र हैं ये आपको कैसे पता करना है,
तो ये जो एक केंद्रीय हो गया, आगे के दो अंक देखने दोस्तों, और ये एक ये हो गया दो, एक ये हो गया तीन, एक ये हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सब जितने भी रोल नंबर दिए हुए हैं दोस्तों सबको काउंट कर लें तो हम आराम से बता सकते हैं कितने केंद्र, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो केंद्र कोड है वो दोस्तों यहाँ पर देखें आप रिपीट हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? रिपीट हुआ है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बार काउंट हो चुका है। ये दोनों उम्मीदवार एक ही परीक्षा केंद्र के उम्मीदवार हैं, इससे दोस्तों हम पता कर सकते हैं। ये वाला भी दोस्तों, तो कितने हो गए? एक दो तीन चार, कितने केंद्र हो गए दोस्तों? चार। 1000 से कम रोल नंबर कितने छात्रों के हैं? तो दोस्तों अब हम कैसे पता करेंगे 1000 से कम? तो रोल नंबर तो हमारा ये जो अंक रह गए हैं चार अंक, यही तो हमारा, अब देखेंगे ये 1000 से कम है, 2462 लिख रहा है दोस्तों, 1000 से ये ज्यादा है। इसमें देखेंगे दोस्तों ये भी ज्यादा है, इसको देखेंगे ये भी ज्यादा, इस वाले को देखेंगे दोस्तों ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, और ये वाला भी ज्यादा है। यानी 1000 से कम रोल नंबर वाले कितने छात्र है दोस्तों? जीरो। 1000 से अधिक रोल नंबर कितने छात्रों के हैं? तो दोस्तों सभी के, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह छात्रों के हैं, तो छह हो गए। किस केंद्र कितने छात्र हैं? किस केंद्र पर कितने छात्र हैं? तो दोस्तों 40 वाले पर कितने हैं? या ये पूछ सकता है कि किस केंद्र पर सबसे अधिक छात्र हैं? किस केंद्र पर, किस केंद्र पर अधिक छात्र हैं? अधिक छात्र हैं दोस्तों, किस केंद्र पर अधिक छात्र हैं? 40 वाले को देखते हैं, 40 वाले पर दोस्तों कितने? तीन। 86 वाले पर एक ही है, 30 वाले पर एक ही है, 11 वाले पर एक ही है, दोस्तों 40 वाले पर कितने हैं? तीन। तो यानी कौन सा हो गया हमारा? 40 इसका आंसर हो गया। किस केंद्र पर कम है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 11 86 30। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपकी समझ में आया ये तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी अभी देखते हैं, और वीडियो को जब तक आप शेयर कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये आपके रोल नंबर और केंद्र कोड है दोस्तों, और ये आपके क्वेश्चन है, जैसे कुल कितने केंद्र है इसमें पूछा गया है दोस्तों, कुल कितने केंद्र है, सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है, ये दोस्तों ऑप्शन है आपके, कितने उम्मीदवार के रोल नंबर 1000 से कम हैं, किस केंद्र पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, ये दोस्तों ऑप्शन है आपके, कौन सा रोल नंबर दो केंद्र पर आया है दोस्तों, ये आपके रोल नंबर वो ऑप्शन है दोस्तों। अब कुल कितने केंद्र हैं तो ये हमको पता करना है, कैसे? तो केंद्र तो आपको पता है, कैसे पता चलेगा? ये दो कोड है, ये दो नंबर जो है आगे के दोस्तों यही केंद्र के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सबको गिनने तो ये टोटल केंद्र है, लेकिन दोस्तों ये इसमें ये रिपीट भी हुए हैं केंद्र जो है वो रिपीट भी हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक करके, जैसे कि 04 एक केंद्र हो गया दोस्तों, 04 एक दोस्तों ये कितना हो गया 16 एक दोस्तों ये हो गया कितना 13 और तो एक ये हो गया 09 और दोस्तों एक ये हो गया 010 और एक 13 तो दोस्तों ये हो गया है, तो अब आगे चलते हैं 09 भी हो गया दोस्तों, यहाँ तो ऐसे आप गोले बनाते हुए चले हाँ, और एक ये हो गया 06 और दोस्तों उसके बाद 13 हो गया है, अब 01 नहीं हुआ है यहाँ पर 01, अब दोस्तों ये भी हो गया है 10 और ये 12 है, और इसके बाद दोस्तों क्या है 13 दोस्तों हो चुका है हमारा पहले ही, और यहाँ पर नहीं, अब इसके बाद इस वाली में आएंगे तो ये 07 कितना 07, इसके बाद दोस्तों कौन सा 06 कितना 06, इसके बाद दोस्तों देखते हैं 06 पहले ही हो चुका है तो यानी कि इसको नहीं लेंगे हम, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों 11 दोस्तों नहीं हुआ, यानी 11 नहीं हुआ है, फिर 12 आ गया दोस्तों, अब 09 हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है, 10 हो चुका है, 16
16 दोस्तों, ये रहा 05, 05 देखें इसमें है नहीं है, तो 05। अब दोस्तों 10 यानी 10 हो गया, 01 भी हो गया। अब इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों, कुल केंद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ, सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है, सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है। अब दोस्तों आप ऐसे 11 और रोल नंबर के चेक करेंगे सबको, तो आपको इसमें दिक्कत होगी। तो हमने दोस्तों इसके ऑप्शन भी दिए, तो 04 पर देखते हैं। 04 पर दोस्तों एक ये है क्या, 1120। और दोस्तों देखते हैं 04 पर कितना है दोस्तों, 04 और कहां है इसमें, और कहीं दिख रहा है आपको 04? तो दोस्तों देख लें आप 04 कहां है, इसमें दोस्तों और कोई नहीं है 04 का। अब 16 का दोस्तों ये है, तो इसमें से छोटा पूछा है, तो दोस्तों ये छोटा है या ये छोटा है, तो ये वाला छोटा है। तो हमको अब इसके 16 की दोस्तों और नहीं चेक करने, अब 13 वाले पर चलते हैं। तो 13 वाला दोस्तों ये रहा, अब 13 वाले पर एक ये है, और दोस्तों और देखते हैं हम 13 पर कौन सा एक ये, और दोस्तों देखते हैं यानी ये वाला अभी हमारा 04 चल रहा है, फिर दोस्तों 13 पर ये भी अभी 04 वाला ही छोटा है, फिर दोस्तों और 13 की देखते हैं इसमें, तो इसमें ये वाला, तो ये भी इससे छोटा है दोस्तों रोल नंबर, तो और 13 में देखते हैं, तो दोस्तों और 13 कहां है इसमें, और इसमें अब 13 कोई से नहीं है। तो दोस्तों 04 अभी हमारा छोटा है अब तक। अब दोस्तों 06 देखते हैं, तो 06 पर गए दोस्तों ये रहा, तो अब ये भी दोस्तों छोटा है अभी, तो ये छोटा है, तो 06 से और देखते हैं दोस्तों 06 का, तो इसमें और है ये रहा दोस्तों 06, तो 06 का दोस्तों ये रोल नंबर कितना है 0006 यानी कि 0006। तो दोस्तों अब इससे छोटा ये आ गया, तो यानी कि हमको क्या पता चल गया कि सबसे छोटा ऑप्शन डी यानी कि 06 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं कितने उम्मीदवारों के रोल नंबर 1000 से कम है। दोस्तों जो 1000 से कम है रोल नंबर, ये जो आगे के दो अंक है दोस्तों उनको तो हमको छोड़ देना है, पीछे के चार अंकों को देखना है, 1000 से कम कौन कौन से उनको हम काउंट कर लेंगे। दोस्तों ये 1000 से ज्यादा है तो इसको छोड़िए, इस वाले को भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ये वाला 1000 से क्या है कम है, तो एक तो दोस्तों ये हो गया हमारा, और देखते हैं दोस्तों 1000 से और कोई इसमें है, इस वाले में नहीं है, ये 8000 से स्टार्टिंग है, ये 4000 से ये वाला एक दोस्तों, ये हमारा ये वाला है, ये 5000 से, ये 3000 से स्टार्टिंग है, ये दोस्तों 9000 से है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, 4000 से, ये 7000 से स्टार्टिंग है, ये 5000 से, ये भी 5000 से, ये वाला दोस्तों छोटा आ गया 941 है, और दोस्तों ये हमारा 9000 से। तो यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों 1 2 3, इस प्रकार से दोस्तों आप निशान लगा सकते हैं कि कितने हो गए हमारे, कितने उम्मीदवारों के रोल नंबर 1000 से कम है 3 के, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस केंद्र पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, किस केंद्र पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। दोस्तों इसके भी रोल नंबर दिए हुए हैं, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सॉरी दोस्तों, तो ये 13 है, तो 13 वाले के देखते हैं दोस्तों कितने उम्मीदवार हैं 13 वाले पर। तो दोस्तों 13 का एक तो ये रहा, और दोस्तों देखते हैं 2, फिर दोस्तों 13 का 3, और दोस्तों 13 का कोई दिख रहा है आपको, यानी कि इसमें भी नहीं है, तो 13 के दोस्तों कितने हैं 3, 13 जो परीक्षा केंद्र है दोस्तों उसके कितने रोल नंबर है 3। अब दोस्तों 10 वाला को देखते हैं, ये 10 है, इसको देखते हैं, तो 10 पर दोस्तों इसमें एक ये रहा, और दोस्तों एक अब तक मिला है 2, और दोस्तों देखें 3 4, एक दोस्तों ये भी तो 10 ही है, तो 10 का कितना हो गया दोस्तों 4। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद 11, तो 11 पर कितने हैं दोस्तों, 11 वाला परीक्षा केंद्र कौन सा है हमारा, अभी तो हमको यहां तक कोई मिला नहीं है, तो दोस्तों 11 पर हो जाएगा एक ये रहा, 1 2 2 3 3, तो दोस्तों 11 के कितने हैं 3, और तो अब रह कौन सा रहा है 09, तो अब 09 का देखते हैं दोस्तों 1, फिर इसके बाद में 2, फिर दोस्तों 09 पर चलते हैं, 2 हो गए हमारे 3,
तो दोस्तों 09 के भी 3 है। तो यानी सबसे अधिक पूछा है ना दोस्तों, किस केंद्र पर सबसे अधिक उम्मीदवार है, तो किस पर है, 10 पर। दोस्तों 10 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा रोल नंबर 2 केंद्रों पर आया है, कौन सा रोल नंबर 2 केंद्रों पर आया है। तो दोस्तों 4521, अब देखते हैं हम 4521 कहीं है, तो देखिए 4521 रोल नंबर देखना है हमको, 4521। तो 4521 दोस्तों 7 पर है, और दोस्तों कहीं है 4521, तो इसमें कहीं नहीं है 4521। 2211 देखते हैं दोस्तों, 2211 इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये चेक तो करना ही होगा, 2211 एक ये रहा, और दोस्तों देखते हैं तो एक ये रहा, तो दोस्तों 2211 ये 1121 है दोस्तों, 2211 नहीं है 1121 है, तो हमारा ये 2211 ही नहीं मिला। अब दोस्तों 1133, तो 1133 देखते हैं, एक ये रहा 1133, और देखते हैं दोस्तों इसमें 1133 आपको कहीं देखिए, तो इस प्रकार से दोस्तों लाइन से देखते हुए चलते हैं 1133, तो दोस्तों 1133 भी नहीं है, तो अब क्या है 1120, 1120, तो दोस्तों 1120 एक ये रहा, और इसमें देखते हैं दोस्तों 1120, तो एक ये रहा। दोस्तों 1120 हमको दो जगह पर मिल गया है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों ये। तो ये दोस्तों ऑप्शन देखकर करना है, ये नहीं कि आप सबको देखते हुए चले, 4 ऑप्शन है दोस्तों, जो सा आपको मिल जाएगा 2 केंद्रों पर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोल नंबर उम्मीदवार संबंधित दोस्तों प्रश्न है। तो आपको ये वीडियो समझ में आए, ये क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाए तो दोस्तों कर सकते हैं आप, तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों अगर आपकी समझ में आया हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसके जो एक दो क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पर आपके लिए डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर द